गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोमवीर सारसर एडवांस पब्लिक स्कूल की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड क्लास का टॉपिक फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक नेम इज प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। टॉपिक नेम इज प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। प्रार्थना ये की जा रही है गॉड से, भगवान से। तो देखते हैं इसके अंदर क्या हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ गिवन है हेयर एंड देयर। हेयर मिस यहाँ, एंड मिस और, देयर मिस वहाँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ। गॉड इज एवरीवेयर। गॉड मीन्स भगवान या ईश्वर। इज मीन्स है। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। तो जो भगवान है वो हर जगह है। रिटेक लेते हैं, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। गॉड इज एवरीवेयर। गॉड मीन्स भगवान, इज मीन्स है। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। भगवान सब जगह है, ईश्वर सब जगह है। देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ। देयर इज नो प्लेस ऑन अर्थ। देयर मीन्स यहाँ या वहाँ। इज है, नो मीन्स नहीं, प्लेस मीन्स स्थान, ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर। पृथ्वी पर यहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है। देर इज नो प्लेस इन अर्थ। देर इज नो प्लेस मीन्स यहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है इन अर्थ, पृथ्वी के अंदर। और पृथ्वी के अंदर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है। वेयर गॉड वोंट फाइंड गॉड। सॉरी, वेयर यू वोंट फाइंड गॉड। जहाँ तुम, वेयर मीन्स जहाँ, यू मिस तुम, फाइंड मिस प्राप्त करोगे, वो नोट मिस प्राप्त नहीं करोगे, गॉड मिस भगवान। जहाँ तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। वेयर यू वॉन्ट फाइंड गॉड। जहाँ तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। द गॉड एलमाइटी। द गॉड एलमाइटी। द गॉड एलमाइटी। भगवान, गॉड मिस भगवान, एलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान। भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है। तो बच्चों, ये था आपका लेसन वन प्रेयर। एक बार रिटेक दोबारा लेते हैं। हेयर एंड देयर गॉड इज एवरीवेयर। यहाँ और वहाँ भगवान हर जगह है। देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ। देयर इज नो प्लेस इन अर्थ। धरती के ऊपर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है और धरती के अंदर भी कोई ऐसा स्थान नहीं है। वेयर यू वॉन्ट फाइंड गॉड। जहाँ तुम भगवान को नहीं पाओगे। द गॉड अलमाइटी। द गॉड अलमाइटी। द अलमाइटी गॉड। भगवान सर्वशक्तिमान है। वह सर्वशक्तिमान है। तो बच्चों, ये था आपका लेसन वन। अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग में फर्स्ट है गॉड, जी ओ टी गॉड। गॉड मीन्स भगवान या देवता, ईश्वर। एवरीवेयर हर जगह, सब जगह। प्लेस मीन्स स्थान। ऑन अर्थ होता है पृथ्वी के ऊपर। इन अर्थ होता है पृथ्वी के अंदर। और अलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान। ये थे बच्चों वर्ड मीन। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके। अब एक्सरसाइज है वो करेंगे लेसन फर्स्ट की। जो एक्सरसाइज हमारे पास वो देखते हैं क्या करना है इसमें। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। जो पोएम हमने पढ़ी है, जो पोएम है, पोएम इस कविता जो पढ़ी है अभी हमने, उसकी लाइन हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपकी बुक मिला गॉड इज, ये मैंने लिख रखा आगे, आपको भर लेना बुक में। गॉड इज एवरीवेयर। गॉड कहाँ है, हर जगह है। भगवान क्या है, सब जगह है। एवरीवेयर में सब जगह। अगली लाइन है देयर इज नो प्लेस ऑन अर्थ। यहाँ पर आएगा ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस इन अर्थ, पृथ्वी के अंदर भी कोई ऐसी जगह नहीं है। वेयर यू वॉन्ट फाइंड गॉड, जहाँ तुम भगवान को नहीं पा सकते। यहाँ पर आया गॉड। अब अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग हमें कंप्लीट करनी है। देखो बच्चों, ध्यान से, जो हमने पढ़ा केवल उन्हीं से हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी खालिस्तान डी, तो यहाँ पर ओ आएगा जी ओ डी। क्या आएगा, जी ओ डी गॉड। गॉड मीन्स भगवान। अब ई, ये दो स्पेस है खाली, आर वाई, फिर दो स्पेस है ई आर और फिर स्पेस है। तो यहाँ पर आएगा ई वी ई आर वाई एवरी वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, एवरी वेयर मीन सब जगह। उसके बाद है प्लेस, पी एल ए सी ई, प्लेस मीन स्थान।
या यहाँ पर एक और बन सकता है PLANET प्लेनेट, प्लेनेट में से ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम इनके आंसर देने हैं, क्वेश्चन आंसर ही करने में, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको बच्चों अपनी कॉपी में करने हैं, साफ कॉपी लगानी है आपको। देखते हैं, वेयर इज गॉड, वेयर मिस कहाँ, इज मिस है, गॉड मिस भगवान, भगवान कहाँ है। इसका आंसर आएगा बच्चों गॉड इज एवरीवेयर, गॉड मिस भगवान, इज मिस है, एवरीवेयर मिस सब जगह, भगवान कहाँ है, सब जगह है। तो इसका आंसर बनेगा वेयर इज गॉड का आंसर क्या बनेगा, गॉड इज एवरीवेयर। नेक्स्ट है, हु इज अलमाइटी, हु मिस कौन, इज मिस है, अलमाइटी मिस सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान कौन है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा गॉड इज अलमाइटी, गॉड मिस भगवान, इज मिस है, अलमाइटी मिस सर्वशक्तिमान, भगवान सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द अपोजिट, हमें अपोजिट वर्ड्स को मैच करना है, विलोम, जो विलोम शब्द है इनका मिलान करना है। लिटिल, लिटिल मिस होता बिल्कुल छोटा, तो लिटिल का जो बड़ा होगा उन में से देखो, एक तो स्टैंड है, एक मोर है, एक लाफ है, एक शॉर्ट है, एक सैड है, तो लिटिल का हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, लिटिल मिस कम तो मोर मिस ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हम मैच करेंगे इनको तो देखो कैसे करेंगे, लिटिल का बन जाएगा क्या, मोर, लिटिल क्या बनेगा, मोर, यानी कम और ज़्यादा। सेकंड है क्राई, क्राई मिस रोना, तो लाफ मिस हंसना, इसका ये हो जाएगा। तो सिट, सिट मिस बैठना, तो सिट का अपोजिट क्या होता है, खड़ा होना, यानी स्टैंड, सिट का अपोजिट बन जाएगा स्टैंड, ये इससे मैच हो जाएगा। फिर है एप्पी, एप्पी मिस, नेक्स्ट क्या भाई नंबर फोर है, एप्पी, एप्पी का मतलब खुश, तो खुश का उल्टा क्या हो जाएगा, दुख, सैड या दुखी, एस ए डी सैड। अब बच गया लॉन्ग, लॉन्ग मिस लंबा, तो शॉर्ट मिस क्या हो जाएगा, छोटा। ये थे बच्चों इसके मैच। तो बच्चों ये टॉपिक वन कंप्लीट हुआ हमारा, आप सभी को ये सारे जो एक्सरसाइज है एक नई कॉपी लगा के उसमें करनी है, और उस वापिस अपना जो उम्र का मेरे पास भेजना है फोटो उतार के व्हाट्सएप पे। ओके बच्चों, होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आएगा, थैंक यू, धन्यवाद।